रहीम अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे गेस्ट भी हैं बहुत स्पेशल, जो कि सभी के हॉट फेवरेट हैं। मेरे साथ एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने टीवी, फिल्म, थिएटर, होस्टिंग सब कुछ किया, कोई ऐसा मीडियम उन्होंने छोड़ा नहीं। और जो उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कहा यह जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ औरत का हाथ भी मर्द के पीछे है और मर्द का हाथ भी औरत के पीछे है। और बड़ा अच्छी अल्लाह ताला ने एक केमिस्ट्री इन दोनों की बनाई हुई है। आप यकीनन समझ गए होंगे कि हम किससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। वन एंड ओनली दिलों की धड़कन, रूबी अनम और उनके शौहर अजहर इकबाल भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? वेलकम, खुश आमदीद, आप हमारे घर आए और बड़ा अच्छा लगा। और ये तकल्लुफ नहीं, सच में बहुत अच्छा लगा। और काफी दिनों से आपका इंतजार था कि आप आ रहे हो, आ रहे हो। और वो टाइम में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम बहुत मर्तबा हुआ हमारा, बट कोई ना कोई, आप लोग बिजी बहुत है ना, अल्लाह ताला इसी तरह से कामयाबियां दे। और ऐसे ही, क्योंकि कहते हैं ना कामयाबी के लिए बिजी होना बहुत जरूरी है। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, मैं कहती हूँ जिंदगी का मजा भी साथ साथ लेना चाहिए। हाँ जी मरवा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं फौरन ही मैसेज देने शुरू कर दिया लोगों को, लेकिन मैं एक बात सच में ये बताऊं कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही प्यारी है। और जिंदगी के बाद अल्लाह ताला की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है सेहत, और उसके लिए अब कोई कंप्रोमाइज ना करे प्लीज। वो कहते ना, जब तक आप पे गुजरती नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता। तो मैंने देखा है हमारे जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, किसी ने 4 स्टंट पे ने, किसी ने 7 पे ने, किसी ने 6 पे ने। मुझे बड़ा मजा आता है कि मजा किस बात का कि अस एक स्टंट फैमिली वखरे हैं सारे, मतलब हम सबको पड़े हुए हैं, फलाने को भी फलाने, सबके नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन मैं कहती हूँ यार नाम लो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज, 2-4 नाम ले लो आज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो आज कर लो, आज अपने दिल को हल्का कर लो। चले, ये तो जाहिर है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। तो जहाँ कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो सेहत वाकई बिलाशुबा जो है ना वो हजार नेमत है। सेहत के बगैर कुछ भी नहीं, और अल्लाह ताला सबकी सेहतों को सलामत रखे तौर पे। इलाही आमीन। तो इतनी अच्छी, लोगों को इतना कहते हैं ना एंटरटेन करने वाले लोग, उनके साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं होता। तो आपके साथ बहुत सी दुआएं हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया। और मुझे लोग कहते हैं ना कि आप ये काम कर रहे हो शोबिज का, फीमेल को बहुत और बहुत मुश्किल। शुरू से ही हम जितनी भी हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, उसको कभी ससुराल वालों की तरफ से, कभी घर वालों की तरफ से, कभी कहीं से मुश्किलात होती हैं, लेकिन मुझे फख्र महसूस हुआ जब मैं बीमार हुई तो उसके बाद जब मुझे पता लगा दुनिया ने मुझे इतना प्यार किया। बिल्कुल ऐसे ही। और वो कोरोना के दिन थे और इतना मुश्किल टाइम था, उसमें जो लोगों ने मोहब्बत की और वो जो 5 दिन है, मुझे तो शायद उस वक्त होश नहीं थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोगों ने इतनी दुआएं की हैं, इतने सदकात दिए हैं। ये कितना, और ये नहीं कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में, क्योंकि आप पूरी दुनिया की फनकार, वैसे भी अमन का सफीर होता है, लेकिन जितना पूरी दुनिया में आपने ट्रेवल किया, कभी पता चलता है कि इधर है, कभी पता चलता है कि एक टांग उधर है। तो मतलब इस तरह से कनेक्ट है लाइफ में। और फिर अजहर साहब भी बाकायदा आपको इतना हेल्प आउट करते हैं, जाके आपका जो भी काम करना हो एडवांस, वो पहले चेक करते हैं, अजर, पूरी तसल्ली करते हैं। अजर ना हो तो शायद मैं बीमारी के बाद मैं काम तो बिल्कुल भी ना कर सकती। उससे पहले की बात तो कुछ और है। ये हमारी शादी को माशाल्लाह 16वां साल है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरी कामयाबी में बहुत, सबसे पहले मेरे अब्बू का, क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरे साथ इतना किया, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, खास मुकाम दे, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और उसके बाद अजहर, मेरी जब से मेरी शादी हुई अजहर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में अगर अजहर ना होता तो मैं इतनी कामयाब ना होती। मैं तो कभी फिल्म का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने शुरू में कह दिया ना कि यहाँ पर कामयाबी मर्द की भी है और औरत की भी है। अच्छा, मेरी तरफ से अजहर को कभी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी बात या ऐसा नहीं, कंप्रोमाइज मेरे में नहीं है। ये इसकी एक खूबी जो अजहर की है। अच्छा, एक्चुअली बेसिकली जो था ना, हम दोनों के म्यूचुअल आपस में जितने भी शोबिज मीडिया से भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ठाकुर और भाई से स्टार्ट हो जाए,
और ताहिर बुखारी सब चलते जाए सबकी तरफ, मदनी जितने भी लोग हैं वो सभी शादी से पहले के हम दोनों के ही Friends बहुत क्लोज रिलेशन में थे, यानी कि भाइयों की तरह रूबी के साथ है, बहन भाइयों का सिस्टम, मेरे साथ भी सिस्टम सबका ऐसे था, सही हो गया। तो वो कुछ, और ये भी नहीं कि कोई बड़ा हम लोगों ने आपस में जनाब इश्क ना 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 तौबा, ऐसा कोई चक्कर नहीं, दूर दूर तक ऐसा कोई चक्कर नहीं। मेरी मैं मेरी शक्ल से या मेरी बातों से, अभी तो मैं थोड़ा संजीदा हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं मोहब्बत शब्बत वाली कोई मेरी को कहानी क्यों, क्या मोहब्बत नहीं हो सकती वो बचपने वाली टाइम भी हो सकती है। हाँ वो बचपन की बातें हैं, जब वो कहते हैं कि हाय तू ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, क्या कहते हैं आतिश जमा था नहीं तब बेवकूफी का दौर था, वो मोहब्बतें तो मैंने बहुत की और हमेशा मेरी मोहब्बत फ्लॉप हुई मेरी वजह से। अच्छा यहाँ पर मोहब्बत नहीं, यहाँ पर यूं फैसला हुआ। अच्छा दोनों फैमिलीज का हाँ करनी है, करनी है तो फिर वेट किस घर में जाके बात की, ये पूरी फैमिली सुनेगी प्रोग्राम मेरा, सबको पता जी, है जी बिल्कुल, इनकी फैमिली को घर जाकर बात की है, उन्होंने कहा कि पहले तो वो माने ही ना कि ये मान गया शादी के लिए, मैं मानता नहीं था शादी के लिए, काफी देर से घर वाले पड़े हुए थे पीछे, बट मैं एग्री नहीं था। लेकिन देखे ना कोई एक शाहकार आपने चूज करना था ना, तो ये मेरी सास को जब लोगों ने बताया होगा ना रूबी है ना माँ की अच्छा मेरी अम्मी को बिल्कुल भी जरा लती भर भी इस चीज का नहीं था, बट ये था कि अम्मी सिस्टर्स ने जब बात की तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, उसने अगर जिंदगी गुजारनी है अगर उसका फैसला, तो मुझे तो कोई इतराज नहीं, ये नहीं पता कि रूबी जन्म कौन है, हकीकत बताओ, जाहिरी बात है उनको बिल्कुल नहीं पता था इस चीज का। तो जब वो रिश्ते की बात हुई, अम्मी बड़े भाई और दोनों बहनें बड़ी, ये लोग गए हैं घर इनके, अच्छा, और जाकर वहां पर बात हुई और मेरे ख्याल में घंटों में वो जो कुछ भी हो चट मंगनी पट गए। हाँ इसके भाई हमारे साथ है, इसकी इसकी बहनें क्योंकि पाकिस्तान आई हुई थी तो उन्होंने वापस जाना था, तो और मैंने हज पे जाना था, तो बस मेरे दो दिन थे हज में जाने में, तीसरा था, तो बस हमने यही सोचा था कि मंगनी करेंगे, मेहंदी बकायदा भी आपको पिक्चर्स दिखाते हैं, और उसके बाद जस्ट निकाह की बात हुई थी कि हम निकाह कर लेंगे, बाकी सब कुछ बाद में हज करके आ जाएंगे, प्रॉपर शादी हुई फिर हम लोगों की वलीमे के अलावा, वलीमा क्योंकि हम लोगों ने सोचा हुआ अगर जिंदगी रही अल्लाह के हुक्म से, अभी वलीमा नहीं किया, नहीं वलीमा हम लोग इंशाल्लाह मदीना शरीफ में करेंगे। अच्छा ये हमारा क्योंकि नियत है, नहीं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और हमेशा आप लोग कामयाब भी हैं, बहुत सी दुआएं हैं, फिर नियत का भी बहुत असर है ना, अल्लाह की रहमत से नियत है, आमीन, अल्लाह करे दिल है, अल्लाह करे परवरदिगार जो गलतियां कोताहियां हुई उसकी माफी दे दे मालिक कायनात, और हम लोगों के लिए इंसानों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ करना है, कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मरवा यहाँ तो अब आप इस वक्त देखे कि एक जॉब के पीछे इतनी, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इतनी महंगाई, और लड़की मतलब आप एक शो करते हो तो आप उसके लेते हो चले लगा ले 5 रुपए लेते हैं, तो वहां उस लाइन में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं 25 पैसे दे दो, तो काम की क्या पोजीशन चल रही है, आप ये काम क्या, मैं तो काम के मामले में ही, जब मुल्की हालात पे जब डाउनफॉल आता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर भी, फिर जॉब्स पर भी, हर चीज पे असर अंदाज होता है ना, तो रूबी कैसे देख रही हैं आप जो मौजूदा सिनेरियो है इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि एक फनकार की कहते हैं बड़ी गहरी नजर होती है। मैं कहती हूँ इस वक्त तो मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मालिक कायनात इस मुल्क पे अपनी रहमत करे, सबसे पहले इस मुल्क पे अपनी रहमत करे, और जितने भी लोग हैं वो अपने अपने बच्चों के साथ महफूज रहें, और एक दूसरे को माफ करने की ताकत रखें, और मुल्क में जो महंगाई है इसको फौरन कम करना पड़ेगा, वरना बहुत आप, क्योंकि मसाइल की अमाजगा बन गया हमारा, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती, बिल बिजली का बिल और ग्रोसरी, या आप जब जाते हैं तो आपको हर दफा यूं ही लगता है कि खिड़की से आप पेच पै गए हैं, की हो गया है, हम लोगों का ये नहीं कि अभी बिल जमा कराने गई हैं, हजारों दफा लड़के तो नहीं आए होते नहीं मैं, मुझे तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं सारे नहीं मतलब कभी गुस्सा आया हो कि इतना बिल आप लोगों ने भेज दिया, मेरे 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 जो हमारा जो बड़ा घर है वहाँ बहुत ज्यादा बिल आता है, बहुत ज्यादा,
हर वारी मेनू लगता है कि मेनू हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे भाई मुझे बताते नहीं जल्दी कि बिल कितना आया। अच्छा, हाँ, और वो अगर कोई बताते हैं और अगर फिर पता करेगा कि तरीके से कोई बात करेगा, मैं मुझे पता होता है कि इन डेटों में बिल आना। अच्छा, तो बिल उधर बहुत आता है बिजली का, बहुत ज्यादा। इधर तो मैंने अजर की आती है सारी अपनी अम्मी जैसी। अच्छा, मतलब अजर बहुत केयर करता है, एक्स्ट्रा बल्ब। मुझे लगता है कि मैं, मेरी और अजर की आजकल लड़ाइयां किस के? तुम उस कमरे में गई हो, नहीं बंद की हुई, पंखा चल रहा है यार, कि मैंने तो सारी जिंदगी ये किया ही नहीं ना। अच्छा, बिजली बचाए, बिजली बचाने इनकी प्रॉब्लम क्या अभी की नहीं शुरू से है। ये आप एक रूम में और दूसरे का पंखा चल रहा है, दूसरे रूम में जाएंगी, लाइटें ऑन की, पंखा ऑन किया, चीजें खोली बिखेरी और उसके बाद आके तो सो गई। पता है क्या, आज़र साहब फनकार जो होता है ना, उसकी जिंदगी ऐसी होती है, क्योंकि उसे इतनी जल्दी मूव करना होता है। मुझे लगता है ये सबके साथ ऐसे है, और खास तौर पे जो वर्किंग वुमन है। कई बार मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ बीवी, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आप बिल्कुल भी इस काबिल नहीं कि आपके सर पर घर छोड़ा जाए। आपको पता है अजर अभी जब पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था तो ये मुझे घर तो नहीं छोड़ के गया। अच्छा, ना 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 ना, ये यहाँ पर भी नहीं रही, मैंने कभी नहीं रहना। हालांकि ये हमारे अजीम भाई यहाँ पर होते हैं, शेफ हमारे जो है वो होते हैं, बच्ची है काम वाली, वो मेरे साथ। नहीं, मैंने नहीं रहना अकेले, मैंने नहीं रहना अकेले। मैंने कहा ओके, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो आप बता दो। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और करते हैं मजे मजे की बातें। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत मजे मजे की बातें चल रही हैं, क्योंकि हमारी एक ऐसी स्टार जो कि दिलों की धड़कन है, और सबसे बड़ी ये बाइस सवाब भी है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना और ऐसी बात करना कि आपका दिल बागो बहार हो जाए। आज जब मैं इनकी जानिब आ रही थी तो मुझे ये ख्याल हो रहा था कि ये होस्ट भी हैं, और इतनी शानदार होस्ट, पता नहीं कितने इवेंट्स, कितने अवार्ड शोज और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने होस्ट कर लिया, टीवी प्रोग्राम्स, तो मुझे लग रहा था कहीं मेरा ही इंटरव्यू ना हो जाए। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह, आप फख्र हो, मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। रियली मुझे अच्छा लगता है कि मैं वाहिद पाकिस्तान की आर्टिस्ट होंगी जो खवातीन को देख के खुश होती है। मुझे कभी किसी को देख के जेलसी नहीं होती जी, और बड़े लोगों की यही निशानी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों के लिए जगह छोड़ी है कि अच्छा आप, मैं क्या, मुझे अपने खुदा पे तवक्कल बहुत ज्यादा है, मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन, बड़ा ईमान है कि मेरा मालिक जो है ना, वो खुद ही मुझे जो जरूरत है ना, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, उसने मुझे 99 रुपीज देने ही देने हैं। 100 नहीं वो मुझे देगा, वो इसलिए नहीं देगा कि 1 रुपया से मैं स्ट्रगल करा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गल और इसी, अच्छा अजर अड्डा चुप करके बैठा है ना, मैं हैरान हूं। आप इतनी सीरियस होकर बातें कर रही हो, मुझे हैरान क्यों हो रही है? नहीं, मरवा के साथ ना एक्चुअली इसके अब्बू की वजह से भी, और फिर ये खुद इसका लाइफ स्टाइल जितना। अच्छा, अब्बू की वजह से अलग है ये, वैसे भी आपको पता शुरू से मेरी, मैं बहन है वो। अच्छा नहीं नहीं, मेरी नंदे बहुत अच्छी है। मेरी एक नंद अल्हम्दुलिल्लाह एक अमेरिका में रहती है, एक यूके में रहती है, तो दो पाकिस्तान में है, वो एक दुबई में रहती थी, वो पाकिस्तान में आई हुई, और वो बड़ी प्यारी और बड़ा मेरी बड़ी केयर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सास ने मुझसे बड़ी बड़ा प्यार किया, बड़ी खिदमत की मैंने उनकी, उनसे बड़ी दुआएं ली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े जाते जाते दुनिया से, अगर कोई कहते ना कि प्रॉपर दोनों का आपस में हाथों में हाथ पढ़कर और कुछ डिलीवर किया गया था, तो वो ये खुशकिस्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी सास, मैं अपनी सास को अम्मी जी कहती थी और अपनी अम्मी को अम्मी कहती थी, और मुझे मेरी सास की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं अल्लाह ने जन्नतों में जगह दे, और परवरदिगार हमसे अच्छे काम ही हो। हालां मेरा बंदा थे ईमानदार की गल, जिस दिन से ये मेरी जिंदगी, मैं लोग कहते तेरा खाना खराब ही हो गया रूबी, मैंने कहा क्यों, कहते मैं इतनी पतली थी मरवा, आपने, हाँ मैंने देखा मरवा, मैं इतनी स्मार्ट थी, इतनी पतली थी, यानी कि आप ये सोच लो कि मैं किसी, आपने बताना था भट्टों के घर में आई हूँ। यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, ये मत कहा करो कि मैं मोटे को कहा करो कि मैं कश्मीर के घर में हूँ। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था कि सुते पे उठ के कुछ खा के फिर सोइयो। शादी के बाद ना, शादी के बाद बिल्कुल आप
कह लें कि दो दिन भी नहीं गुजरे अभी, एक डेढ़ दिन ही गुजरा, तो पहला ही अटैक इस चीज का होगा कि ये सोई पड़ी। अच्छा, जो जिंदगी में इसने नहीं किया सारी, तो मेरी रूटीन थी जो भी मौसम है सर्दी गर्मी है वो मेरा है कि फ्रेश फ्रूट का जूस लाजमी पीना है, वो लाजमी पीना है। अब वो मिल्क शेक की सूरत में ये बात कर रही है ना जो इनसे मैंने की है, ये आपको बताना चाह रही है मेरी लाइफ। मेरी रूटीन क्या थी, मेरी रूटीन क्या थी, सोए पड़े को उठाना, बीवी जरा उठना, उठाकर क्या हुआ, मैंने कुछ तरह बैठा उठकर, नींद भी आई है, उठी है, इससे मैंने गिलास पिला दिया, उसके बाद मैडम बेहोश, फिर कोई होश नहीं। अच्छा अब देखो जिसमें स्ट्रॉबेरी है, केले हैं, काजू डाले हुए, बादाम डाले हुए हैं, उस तो बात पे मैं भी होशी होना ना, जिन्हें सारी जिंदगी उबलिया आपको एनर्जेटिक चीजें खिलाई है। अच्छा मैं सारी जिंदगी गर्म पानी पीने वाली, मैंने पूरी जिंदगी में, मुझे खालिद अब्बास डार साहब ने, अल्लाह उन्होंने जिंदगी और सेहत दे, उन्होंने मेरी परवरिश, या आप समझ लें कि मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ पूरे यकीन से कह सकती हूँ, किसी को इतना सीनियर से प्यार नहीं मिला जितना मुझे मिला है, चाहे वो इरफान खुसर साहब हो, ख्याम सरहदी साहब हो, जमील फखरी साहब हो, ख्वाजा परवेज साहब मेरे दोस्त थे मेरे, मैं उन्हें मैं ना 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 वो तो मेरे जिगर, वो मैं आप ये कह ले मेरे मशहूक। अच्छा मैं ख्वाजा साहब को प्यार नहीं आ रहा, मेरे भी दोस्त थे ना, कोई अभी बताने लगूं पूरी बात, ख्वाजा साहब वो बंदे हैं जिन्होंने जिंदगी में मुझे बताया है कि लाइफ क्या है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं उनके जाने के बाद मुझे उनकी समझ आई है कि वो मुझे क्यों कहते थे, मैं कोई काम बदतमीज में शदीद थी, लड़ाकी में शदीद थी, मैं एक मिनट में तो काम छोड़ के आ जाती थी, ऐ प्याए चलो मैं नहीं कर रही, मतलब मुझे एक होता ना फखर मान के देखा कि साढ़े वर्गा कौन करता है, मुझे ख्वाजा साहब ने कहा कि रूबी ऐ नहीं करना, और मुझे हमेशा माफी मंगवानी जा, उन माफी मांग का ऐ काम नहीं छोड़ना, ये करना है। मैं पाकिस्तान के उन लोगों से मिली जिनके लिए, जिनका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते शोबिज वाले, ऐसे ही एक ड्यू टू ख्वाजा परवेज। ख्वाजा परवेज साहब एक दिन एक बहुत बड़े जगह पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा यार क्या लड़की है रूबी अनम, क्या खूबसूरत बातें करती है, ख्वाजा साहब की शेर कह दी है। ख्वाजा साहब ने क्या, अच्छा केड़ा शेर क्या, उसने वो शेर सुनाया, असें भुल गए कायदे आजम नू, सानू अपनी अपनी पै गई है, हूं सिर्फ तस्वीर निशानी नोटा ते रह गई है, इस तरह का एक शेर था। तो वो ख्वाजा साहब ने क्या, अच्छा रूबी अनम बड़ी अच्छी फनकार है, बारात को वहां इकट्ठे हमारी बैठक, वो ख्वाजा साहब की जो बैठक है उसमें हमने सारा रात को हमने मीटिंग के लिए बैठना होता था, ख्वाजा साहब कहते हैं बड़ी तारीफा ये सुने तो शेर क्या, एक शेर दी लाइन ते मन बढ़ा के, क्योंकि मुझे होस्टिंग में ख्वाजा साहब और उमर शरीफ साहब ने क्या तू करेंगी, मैं क्या मैं नहीं कर, मैं सोचती थी मेरे हाथ कंबन लग पे सन, तो फिर एक ऐसा टाइम आया अमरवा के मैं सब कुछ रित कर दिया, मैं फिर एक मैं किसी प्रोग्राम में खड़ी हुई तो मुझे अल्लाह जन्नत में जगह दे कोई भी, लेकिन जहां तक सियासतदानों की बात है मुझे ना सब कहते हैं कि खुदा दा वास्ता मेनू कुछ ना, कभी जहांगीर बदर साहब की बात नहीं कर रही, वो भी हमजा तो बहुत प्यार, अल्लाह उसको जिंदगी से दे, वो तो मेरे छोटे भाइयों जैसा ही है, वो मुझे इतना मजा था। एक दिन क्या हुआ कि दो अब स्वेल ज्या बट और अपने स्वेल साहब अच्छा हूं मैं वो आ रहे ने कि मैं उधर उन्होंने की तारीफ करनी है, उधर ओदी क्लैप करवानी, तो मैं दोनों के ना गलत बोलते। अच्छा। तो वो मुझे कहते हैं स्वेल ज्या बट साहब, अल्लाह उन्हें वो तो आजकल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तो वो मुझे कहते हैं अब मेरा नाम गलत ले लिया, मैं कह नहीं ना मैं सही लिया, बंदे दूजे दा गलत हो गया मेरे को, मेनू माफ कर दो। फिर पूरे प्रोग्राम में अच्छा मुझे एक एक बंदे का पता होता है कि ये इसने कहाँ से पढ़ाई की, ये कहाँ गया। अच्छा। ये सारे ये मुझे क्रेज है जिसको समझ लें कि मैं किसी से मिलना होता है मुझे उससे पहले उसके बारे में पूरी तफसील एक्साइटमेंट होती है कि मैं जानू कि मतलब जो मेरे पास बैठ रहा है उसका लेवल क्या है। एग्जैक्टली लेवल नहीं, मैं ये चाह रही होती हूँ कि उससे उसकी बात भी करूं, मतलब उससे उसके मुताबिक बात करूं। हाँ, उससे कहूं कि यार किसका नाम क्या है, तेरी जिंदगी दी खुशियां, उसकी जिंदगी में अगर कोई कमी है कहीं मैं उसको वो मोहब्बत वो प्यार दे सकूं। बाकी तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी पेशी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है ही है, अप्स एंड डाउन तो होते ही रहते हैं। रूबी इतनी कम उम्र में काम शुरू किया, चाइल्ड स्टार, हस्बैंड ने भी आपके मतलब दोनों का ही स्टार्ट चाइल्ड स्टार से हुआ, तो वो रूबी जो कहती थी मैं आ रही हूँ वो क्या डायलॉग था? अल्लाह ने देखे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं ना कि अल्लाह ताला ऐसी रहमत करेगा, परवरदिगार का करम
को सिर्फ आवाज देते थे तो लोगों के, अभी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने मैं थिएटर, आपको पता है मेरे ससुराल वालों ने कोई मुझे ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन इन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि सुरखाब तुहानू दे रहे हैं इहदे बदले इक्को ही शर्त है कि तू थिएटर नहीं करना। सही। तो मैंने कहा ओके, मेरे जो सुरखाब दे पर जिस शहजादे नू लगे हुए हैं। हाँ, तो मैंने हालांकि थिएटर के ऊपर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो रूबी की एक वाहिद ऐसी आर्टिस्ट है कि जिसने आज तक अपने गले का ये बटन भी नहीं खोला। नहीं, देख लोगों को पता है। मैं रूबी के बारे में ये बात कहूंगी कि इतना एक थिएटर वो भी है जहाँ पर उरियानी फाशी इन्होंने स्टार्ट किया, ना इनका कोई गाना कुछ भी ना कहीं जिस्म की नुमाइश कुछ भी नहीं और ये इतनी मतलब कह लें कि ब्लेस्ड हैं, इन्होंने अपने एक दो डायलॉग्स के साथ ही अपनी एंट्री पे इतनी क्लैप्स करवा दी हुई है कि वो लोगों के लिए यादगार है। बल्कि मुझे, मैं तो कह रही हूँ मेरे देखने वालों के लिए वो डायलॉग रिपीट कर दें। अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे एक जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ शो में, तो वो टिकटॉक पे आजकल नहीं वे छीमिया आज नहीं वो मैं कहती हूँ, मैं सोच रही थी 16 साल हो गए इस लाइन को और टिकटॉक पे उसने इतना हिट कराया और लोग इतनी मोहब्बत इतना प्यार कहना रूबी वे अंतर जाने हैं, तेरा खाना खराब हो वे तेरा बेड़ा वे अंतर जाने वे बेड़े कर वे तेरा, यानी इस तरह की। मैं खालिद अब्बास डार साहब के बाद वाहिद आर्टिस्ट थी जो एक सांस में 32-33 जुकते लगा सकती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लगा सकती हूँ, मेरा डॉक्टर अलम मुझे मना करता। अच्छा, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब का एक क्रेडिट है, मेरा वे क्लिक उन्होंने करवाया, वे वो मुझे कहता तो रूबी तू वे करनी है ते जान निकल जाती सारिया दी और तेरा दूर ही पता लग जाता है कि तू आ रही है। लेकिन असल में मुझे अपना मजा आया है जिंदगी का, जो जिंदगी का बेहतरीन मजा आया है जिसके मैं ये सोच सकती हूँ मैं कभी मैं इतनी चेंज हो जाऊंगी, वो है हज। अच्छा, माशाल्लाह। वो उसके बाद मुझे अपनी लाइफ का ज्यादा मजा आया, आप यकीन जानो मरवा। ये आपका प्रोग्राम इत्तेफाक से संजीदा होता जा रहा है, मेरी कोशिश तो नहीं थी, मेरी कोशिश थी कि मैं आपका प्रोग्राम जिसको कहते हैं मजे वाला करूँ, कोई कॉमेडी, और मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि मतलब एक होस्ट जब खुद तैयार होके जाती है तो वो जो आप जिसके मिलने जाते हो किसी के घर जाते हो तो कई तो सड़ भी जाती होंगी। नहीं, मैं तो आपको कोई 10 दफा माशाल्लाह कहा है, मैंने कहा नहीं आपको नजर ना लगाए, बहुत खिला दिल आपको देख के मैंने कहा कि कोई मतलब आपके कपड़े नहीं, आपका कोई आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, मैं देखे ब्रांड कॉन्शियस तुसी भी हो और की बंदा सड़ जांदा है ना कि हाय हाय होस्ट ने एडा महंगा पर्स पड़िया है, एडी महंगी घड़ी पाई है, मतलब आप मैं वाहिद होस्ट होवांगी जेडी कदी इन्नी तैयार नहीं हुई। आप माशाल्लाह सर से लेके पांव तक मुकम्मल तैयार और प्यारे है ना। ये बस शुरू से ऐसे है, मतलब मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। इवन मैं छोटी होती बहुत मेकअप करती होती थी तो मेरे पापा डांटते थे, कहते थे नहीं बच्चियां इतना मेकअप नहीं करती। नहीं नहीं, पेरेंट्स की, लेकिन आपकी बच्चियां बहुत आगे हैं, आपकी बच्चियां पैदा होते ही जो है ना वो मेकअप करना शुरू कर देती हैं। मरवा अब्बे दे पैसे ते बंदे दे पैसे खराब करने कैसे लगते ने। ज्यादा मजा किसमें आता है? मुझे तो ज्यादा मजा अपने अब्बे के पैसे का था। सुबहान अल्लाह, ये देखे ये कितना बड़ा सा पैसा ऐसा था कि मतलब उसमें एक फखर भी था और कोई डर भी नहीं था और कोई ये भी नहीं था कि मैंने किसी की क्या कहते हैं जी जी करती है। नहीं यार, ये बताने के इतने पैसे खर्च हुए ने। हाँ, हिसाब किताब नहीं था, पूछता नहीं था। अच्छा, मैंने पूरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने अपने अब्बू के दौर में बड़ी याशी की, इतनी याशी की, इतनी याशी की कि किसी के नसीबों में भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने अपने काम से मेरे मालिक ने मुझे इतनी याशियां कराई हैं कि ऐ तो सोच भी नहीं सकता, ऐ तो दो टिकटा भी नहीं लैके दे सकता, ऐ तो दो बस दिया तेरे मैर ना की तेरे पिंड चली हैं। मुझे क्या पूछे, टिकटों की बात कर, टिकटों की बात पे पूरी करो। पिछो के पिंड जो कौन असी ते गया अपना प्योर कश्मीरी, कश्मीरी तो पिंड च नहीं रहंदे, कश्मीरी नहीं कौन कहंदा जिन्ने कश्मीरी पिंड च रहंदे ने। टिकटों की बात अब के टिकटों की बात पूरी करो ना बाबा, बस की बताए या हेलीकॉप्टर या जहाज की। अजीम भाई जाने के टिकट बुक करवाए दो। हां दो कराओ जी, चनिया उड़दियां चनिया उड़दियां कराओ जी। की दी करवाना, बातें यहाँ पे चल रही हैं, मगर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। और बहुत अच्छा लग रहा है इन इस कपल के साथ और माशाल्लाह ये ब्लेस्ड कपल है। आपको फिर मिलते हैं।
बैक और हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी, जो दिल की भी बहुत प्यारी हैं, शक्ल की तो माशाल्लाह वो प्यारी है ही मगर वैसे भी बहुत पुरकशिश हैं और दिल की साफ गो हैं, जो कि बहुत कम लोग होते हैं आजकल, और खास तौर पे शोबिज की दुनिया जिसे एक लाइमलाइट की दुनिया कहा जाता है उसमें ऐसे प्योर लोगों का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो रूबी, आपने अभी अपनी फिल्म्स का आगाज किया भारती पंजाब के साथ जी। और बड़ी अच्छी बात है, फन सरहदों की हदूद से बालातर होना चाहिए। आपने साबित किया, आपके हस्बैंड ने आपका बहुत साथ दिया, साथ प्रोडक्शन भी वो करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, मतलब छाए हुए हैं आप लोग। और फिर इंडियंस ने आपको, भारतीय पंजाब के लोगों ने आपको इतना सराहा, उन्होंने कहा रूबी है ही साड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जब थिएटर करती थी ना तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार ना सरदार लोग करते थे। अच्छा, एक तो वो कहते थे इदी शक्ल भी साड़े वर्गी है, और फिर मैं तेज बहुत थी, एक्टिव बहुत थी, एनर्जेटिक थी, मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो लड़कियों में नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं, लड़कियां बड़ी नजाकत वाली होती हैं, मैं भाग, यानी कि मैंने थिएटर पे ऐसा काम किया कि मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर से छलांग लगा के सेट के ऊपर आई हुई, मतलब मैं इस तरह के काम भी किए। मैंने जो अपनी जिंदगी का पहला शूट किया, मैंने दरख्त के ऊपर उल्टा लटक के फोटो शूट कराए, बचपन शरारतें, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में मैं बड़ी थी, मेरे हम एक ही गली में सारे रहते थे, मेरे सारे रिश्तेदार ताए चाचे ये वो, तो मैं उसी तरह की थी। तो जहां तक फिल्म की बात करें तो मैं आपको वहीं लेके जाती हूँ। मूवी मैंने सारी जिंदगी नहीं की। अच्छा अच्छा जी, मुझे बचपन से फिल्मों की बहुत ऑफर थी, और बड़ी अच्छी फिल्मों की ऑफर थी, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स की, लेकिन मुझे ना मेरी अम्मी कहते नहीं रूबी फिल्म नहीं करनी पुत्र, पता नहीं अम्मी को कुछ था, तो मैं वो कभी काम नहीं करती थी जो अम्मी ने मना किया। अभी फिर अम्मी का इंतकाल हो गया तो मैं कुछ ज्यादा काम शाम ना, मैं इतनी बिजी हो गई, इतनी बिजी हो गई कि मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं था मेरे पास, कि मैं अपने लिए भी, मेरी शक्ल ही चेंज हो गई। वो रूबी एनम जो अपनी केयर करती थी, वो रूबी एनम जिसकी एक जिंदगी थी, एक तितली उड़ती हवा, ये वो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगता था काम करना है, पैसे लेने ने, बस इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था। अचानक एक फिल्म की ऑफर, सबसे पहले मुझे ना परवेश कलीम साहब ने एक फिल्म बनाई, उसमें उन्होंने मेरे लिए रोल लिखा, तो उन्होंने मुझे, परवेश कलीम साहब को मैं बहुत मानती हूँ, बड़े अच्छे राइटर हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि रूबी ए फिल्म तो तेन करनी पैनी। मैं कहा सर मैं तुम दस नहीं हाँ, सर्दियों के दिन, उन्होंने कहा 20-22 दिन चाहिए, और मैं आफ्ताब साहब के साथ काम कर रही थी, वहां टाइमिंग का कोई पता नहीं लगता कि आप कब फारिग होंगे। मैं घर आई तो अजहर ने मुझे कहा कि नासिर भाई का फोन आया था, और हाजी ठाकुर साहब का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का फोन आया कि आपने आपसे मीटिंग है। तो मैं क्या की खैर है तो बुला लेना सी, कहना नहीं नासिर भाई की तरफ जाना है हमने। हम नासिर की तरफ गए रात को, तो नासिर भाई और आगा माजिद बैठे हुए थे, उन्होंने फिल्म के लिए कहा। अब उनकी डेटे और इनकी डेटे सेम एक थी। सही। मैं, मुझे ना जिंदगी में समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं किसी को इनकार नहीं, फैसला करना, हाँ जी। और फिल्म मैंने करनी भी पहली दफा थी, कुछ इत्तफाक ऐसा हुआ कि उनकी डेटे आगे चली गई, और या अजहर ने मुझे कहा कि ये फैसला मुझे करने दो। नहीं ये, हाँ ये मैंने लिया था, या डेटा नहीं हुई थी, डेटा सेम थी, बट मैंने इनसे ये कहा था, मैंने कहा ये डिसीजन आप ना करो, उसकी रीजन ये है कि आपने फिल्म नहीं की, मैं फिल्म कर चुका हुआ था ऑलरेडी पाकिस्तान में, कर चुका हुआ था बड़े प्रोजेक्ट, आपने तो टीवी प्लेस पे भी मॉडलिंग भी, कोई आपने भी कोई जगह छोड़ी नहीं है। फिल्म एक्चुअली मैंने अजब बोल साहब की थी, क्यों तुमसे इतना प्यार है। अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें था, फिर मोहब्बत सचियां उसकी प्रोडक्शन में था मैं, राणा खलील साहब के साथ, तो मुझे एक्सपीरियंस उसका काफी हो चुका था, काम का प्रोजेक्ट दोनों ही बहुत बड़े थे। वो मैंने कहा डिसीजन मुझे लेना, तो अगर आप बुरा ना मानो, इन्होंने कहा ठीक है जो करना तुम, फैसला खुद करो इस चीज का। सही। मैंने डिसाइड ये किया, मैंने कहा कि आप पहली बात कि फिल्म आप करती नहीं ना, हाय अल्लाह मैंने फिल्म की नहीं थी। आप अगर देखो परमिशन, आप मुझसे भी कह रही हो कि थिएटर तुमने मेरा छुड़वा दिया, अब क्या करूं, फिल्म आप करो, मैंने आपको रोका नहीं है, टीवी आप करो, मैं को भी नहीं रोकता, बट काम वो करना जिससे आपका नाम बने, नाम जो आपने सारी जिंदगी किया, नहीं नाम तो अल्लाह ताला ने उनको, ठीक है ना, वो शुरू ही से बढ़ा दिया। देन डिसाइड मैंने ये किया था, मैंने कहा था प्रोजेक्ट यहाँ का या वहाँ का वो, लेकिन हमें यूं लगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, नहीं मेरे ख्याल में, मेरे मुझे लगता है कि आपको बहुत टाइम काम करना चाहिए, जरूरत है आपकी ना। अच्छा, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट लेने की बड़ी आदत है,
हाँ सारा क्रेडिट और फिर हर चीज आपको, आप शायद यकीन करो मेरी कोई चीज मेरे नाम नहीं है, सारा कुछ इन्हें अपने नाम किया है, इवन के मेरा मोबाइल कितनी अच्छी इंतबार की है, रीजन भी तो पूछे ना, क्योंकि मैंने जहाँ जाना मैंने खर्च करना, मुझे आदत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और सेकंड, ये कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो फिर तो आप भूल जाएं कि ये कहीं जा सकती है। क्रेडिट बहुत जो है ना वो फिर ले गए, क्रेडिट क्रेडिट भी ले गए, सारा क्रेडिट कुड़ी ते है, कुड़ी ते जो व्याह किया उदो भी कुड़ी नहीं सी, मतलब मैंने काफी मैच्योर एज में शादी की ना, मैं बचा था। हाँ तुम मेरी भी वही एज थी, माशाल्लाह हम दोनों की एज में 2.5 महीने का फर्क है, लेकिन अक्सर लोग मुझे पूछते हैं ये आपका बेटा तो नहीं है। नहीं अब ऐसी भी बात नहीं है, वो कौन लोग पूछते हैं जो इनके साथ जान के रखते हैं वो जान के करते पूछे इतना खुश होते ने बंदे, उन्होंने तुसी कह दियो ना कि तुसी अपनी बुढ़ी तो छोटे हो या तुसी एडे सोने। अच्छा कैसर भी ये क्यों कहता बार बार जब मुझे मिलता है कि तुम जनती हो, सलाम है भजन तो हनु जनती हो तुसी, वो इसलिए क्यों कहता हूँ भाई मेरे साथ रहना भी ये काम है ना। मरवा हम लोग जो है ना प्यार लेने वाले लोग हैं, मैं सारी जिंदगी थिएटर की है, इधर शरारत की थी उधर की थी, दो नंबर चले गए एक नंबर में चले गए, जिंदगी को एंजॉय किया। और मैं आपको बताऊं कि जो सच्चे खरे लोग होते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, उन्होंने मुंह पे बात करनी है, वक्ती गुस्सा लगता है मगर वो बात सच्ची होती है, लेकिन दुख बड़ा होता है जिन जिसके लिए आप सच बोल रहे हैं ना, आपने अगर किसी को कह दिया आए हाय हाय मरवा मैं तो बड़े, मुझे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं ये मैं उनको बार बार कोट क्यों करती हूँ, मैं ना सच ज्यादा बोलते कहते रूबी सच बोल पर सच भी ना नहीं, ए, हर सच बोलने भी नहीं होता। मैंने इंडियन मूवीज की, मुझे वहां उन्होंने इतना प्यार किया, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी अल्लाह उनको परवरदिगार, किसी चीज की कमी ना दे कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी के साढ़े तो नहीं तो होते, आप यकीन जानो कि मेरा पहला सीन था और मेरा सीन हो गया मैंने पता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं रिहर्सल कर रही थी मेरे लिए फिल्म में, और सबसे मुश्किल काम जो मेरे लिए था, मैं ना फिल्म में काम कर रही हूँ तो मैं डायलॉग बोलती थी, तो डायलॉग उन्होंने एक लाइन दी है मैंने उसके आगे चार लाइने लगा लेनी, उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर ने कहा इन्ना ना बोल, हाजी ने वेखे मैं कहते पता सड़न लग पे मेरे को। अच्छा कोई सीन हो मैं सीन में चार बातें और ऐड कर दूं। अच्छा। मुझे नासिर ने कहा अरू भी बहन घट बोल, मैं क्या तो सड़ गए ने दो, अल्लाह माफ करे ये दोनों कभी मेरे से जेलस नहीं हो सकते। हाँ। क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं। हाय मरवा जिदो जिदो डबिंग हुई मैं रोन लग पी। अच्छा। मैं इतना रोई इतना, मैंने एक दिन ऐसा है मैनेजर से कहा मैं डबिंग ही नहीं करनी किसी और कुड़ी को करा लो, यानी एक डायलॉग था चल वे अंदर, उसके लिए मैंने 8 घंटे लगाए, वो लिपसिंग ना हो फंस गया ना वो एक सीन फंस गया, मुझे डबिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं था, प्रॉपर लिपसिंग करना आपको पता उसमें आकर वहां ओए होए होए होए, लेकिन मैंने जैसे वहां पे ठाकुर को कहा चल वे, क्योंकि अमरिंदर गिल को कोई जुगत लगाता नहीं, मैंने अमरिंदर गिल को कहा वे निकी सीरी लिया वे छोटे मुंह वाले या उनके बाद वे इधर छोटी साड़ी दे मुंह लिया या उसको कहा वे चार्ल्स या सावया, वो लोगों ने मुझे प्यार किया मोहब्बत की, लोगों ने जैसे कि अकरम उदास ऑलरेडी उस वक्त हिट था, उनते पता नहीं की बनिया एकदम उन्होंने जिमें हिट होया उ बेचारा पिछे नू आया है, समझ नहीं आई की होया सू, लेकिन अकरम उदास के साथ वहां काम किया, अकरम ने कहा तेन मेरी फिल्म कैसी लगी, मैं क्या अकरम मैं तेरी फिल्म पिछली वेखी पार्ट वन तो इन्ना रोया उस इन्ना रोया, मैं तेरा सीन वेख के इन्ना हसी हाँ कि तू रोंदे एडा बुरा लगे और तेन रोना भी नहीं आया तो वो मुझे अच्छा मरवा तू घट हसनी है ना नहीं दो ही मैं ते लाशा नाल बह गई हाँ अल्लाह की कसम है मैं कहनी हाँ मैं चंगा भला मैं को गल करनी अगो ओ भी इधर मैं आज हसन वाला प्रोग्राम करना सी नहीं नहीं मैं ते हसन वाला प्रोग्राम करना सी मेरे ज़हन से क्या जसांगे खेडांगे बेसिकली वो तो आपका एक है मजाक की दुनिया की आप एक लेजेंड हैं आपसे कौन आगे जा सकता नहीं, नहीं, है आगे नहीं। हम ये चाह रहे थे कि आपकी लाइफस्टाइल पे भी बात हो क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि रूबी अनम अब क्या कर रही हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों को एक्साइटमेंट तो रहती है रूबी अनम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को एंजॉय करे तो चुप कर बे तुम्हारा अब्बा लग रहे तू सारी गलत दसे बातें नहीं ना बोलने का शौक है। अच्छा इनको क्या कहती है इनको इनको कैसे बुलाती है किसने अजहर को अजहर ही कहती हूँ जब कभी जुगत का मूड हो या कुछ किसी तरह नहीं मैं अजहर को बहुत गुस्सा निकालना हो
मैं असर को प्यार भी बहुत करती हूँ। गुस्सा नहीं, मैंने नहीं कभी, ये गुस्से में अगर यानी कि नाराज है ना तो खामोश हो जाएंगी, बोलेंगी नहीं। आप मानोगे कि मैं कल से इससे नाराज हूँ? ये खामोश है। अच्छा हाँ। ये बोलेगी नहीं। कल से मैं इससे नाराज हूँ, क्योंकि कल मैं पीटीवी के प्रोग्राम में गई हूँ तो जाती दफा मैं अलमारियों में से कपड़े निकाल के जो मेरी आदत है या जो चीजें उठाई हैं जल्दी में ऐसे ही होता है। तो बस आपको उठाने पड़े हैं। उठाने नहीं पड़े, मैं अंदर गया तो मैंने देखा ये कमरा किसका है, यही क्या हुआ कमरे में, कौन आया कमरे के अंदर, तो कोई चीज मुझे ना ढूंढ। इतनी प्यारी बेगम हो ना तो उसकी थोड़ी सी खिदमत कर देते हैं। नहीं, मैं बहुत खिदमत करता हूं। बड़ी है, यानी अपनी अम्मी तो बाद मेरी खिदमत ही की है। बंदे ते खिदमत करन, यकीन करो ए झूठ है, बंदे जड़े ने वो खिदमत करन है नहीं हो सकता। मरवा मेरी भैन, जिड्डा तू मेकअप कीता ना, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, मेनू बस मैं तू मेरे घर आई है वेलकम, इन सिर तो लेके पैर तक मजाक नहीं, तू बहुत सोहनी लग रही है माशाल्लाह, और ये सारी जिंदगी नहीं छोड़ना आपने, ए छड़िया ते तेनू काम तो उन्होंने कढ देना ही, ए मैं तेनू दसता ही, ते तू तेनू जेड़ा बहुत हासा आंदा ना घबराए मुंह वाले आ, मैनू जरा गल कर लेंदे। जी जनाब, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।